सब पढ़ते हैं आज। माइक कैसे ऑफ होगा? आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस वेबिनार में जल्द से जल्द जुड़ जाएं। भारतीय विद्या भवन डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म टीवी एंड एनिमेशन स्टडीज के द्वारा ये वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो जल्द से जल्द इस पर जुड़ जाएं। अभी कुछ ही देर में हमारे साथ हवंस कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री दिलीप बाट हमारे साथ जुड़ेंगे। आज का जो विषय है वो विषय है भारतीय विद्या भवन और डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म एंड टीवी स्टडीज शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। इस कैरियर गाइडेंस वेबिनार का आयोजन करने का मुख्य कारण ही हमारा ये है कि विजुअल माध्यम से हम विद्यार्थियों से जुड़ पाए, उनके सवालों का जवाब दे पाए। आज 29 जुलाई 2020 से ये वेबिनार हर दिन 3 बजे शुरू हुआ, जो हमारे फेसबुक पेज BBBFTS, हमारे यूट्यूब चैनल BBBFTS और भवंस कॉलेज दिल्ली का जो यूट्यूब चैनल है उस पर लाइव हुआ हर दिन। हर दिन इंडस्ट्री से जुड़े व्यक्ति, एक्सपर्ट, काउंसलर, हर दिन कोई ना कोई आएगा और स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के मन में शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के करियर को लेके जो भी प्रश्न होंगे उनका उत्तर देने की कोशिश करेगा। सो मेरा अनुरोध है कि आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं।
नमस्कार, भारतीय विद्या भवन फिल्म एंड टीवी डीवीएफटीएस के वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं एक अच्छा शिल्पकार किसी भी प्रकार के पत्थर को तराश उसे सुंदर आकृति का रूप देता है। किसी भी मूर्ति को तराशने में शिल्पकार की बड़ी भूमिका होती है। पिछले वर्षों से शिक्षा क्षेत्र की भूमिका निभाता आ रहा है भारतीय विद्या भवन। भारतीय विद्या भवन के फिल्म और टेलीविजन विभाग 2001 से मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है। आज बीवीवीटीएस के स्टूडेंट्स हर टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनके उज्जवल भविष्य बनाने में भवन का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे मालूम है कि अब आपके मन में कई तरह के प्रश्न उठ रहे होंगे कि आखिर भवन है क्या, भवन की आइडियोलॉजी क्या है, भवन की शिक्षा क्यों है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हम वेबिनार का आयोजन किया है और आमंत्रित किया है भवन कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री दिलीप भाटकर सर को। नमस्कार, भारतीय विद्या भवन की तरफ से मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस वेबिनार में। और भारतीय विद्या भवन और उसके संदर्भ में जो भी कुछ चीजें है इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और एक एक करके आप जो पूछना चाहते हैं या जिस तरह के भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, आप मेरे सामने पूछिए तो मैं उसके बारे में जो है बताऊंगा। तो विशाल बोलिए। सर आप क्लियर कनेक्ट नहीं पा रहे हैं, मैं आपकी इंजेक्ट होती है, मैं वापस आपको जोड़ने की कोशिश कर। हाँ जी, आवाज सुनाई दे रही है आपको सर की? स्क्रीन आवाज आ रही है बट स्क्रीन एक बार कनेक्ट नहीं हो पा रही है, स्क्रीन कनेक्ट नहीं हो रही है। कनेक्ट सर की स्क्रीन अभी कनेक्ट नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहले सर आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इतनी समय हमें दिया। तो सर मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि भारतीय विद्या क्या है? देखो, भारतीय विद्या भवन 1938 में के मुंशी जी ने शुरू करी थी और के मुंशी जी का बहुत बड़ा योगदान है हमारे इंडिपेंडेंस डे स्ट्रगल के लिए भी। गांधी जी से लेकर आगे तक वो जुड़े थे और 1938 में जब भारतीय विद्या भवन की स्थापना हो गई तब से लेकर अभी तक जो है कि भाई इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 80 ईयर्स और हम लोग जो है इसके लिए काम कर रहे हैं कि भाई शिक्षा क्या है और किस तरह से उसको बढ़ाना है, इसके ऊपर जो है हमारा काम हो रहा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई भारतीय विद्या भवन एग्जैक्टली क्या है, उसके लिए एक डॉक्यूमेंट्री है हमारी आइडियोलॉजी ऑफ भारतीय विद्या भवन, हमारे बीवीएफटीएस के चैनल पे भी अवेलेबल है और भवन्स कॉलेज के चैनल पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे आप उसको देख सकते हैं। इसके साथ कि भाई जो मुंशी जी के ऊपर भी एक फिल्म बनी हुई है आधे घंटे की भाई, जिसके अंदर के मुंशी जी के बारे में आप सब कुछ जान सकते हैं। और यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही कहने की कोशिश करूँगा कि भाई जब भारतीय विद्या भवन, यहाँ पे एक शब्द आता है कॉल्ड विद्या, तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि भाई एग्जैक्टली विद्या, भारतीय विद्या भवन ऐसा नाम दिया है तो भारतीय शिक्षा भवन ऐसा क्यों नहीं नाम दिया। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि भाई एग्जैक्टली विद्या और शिक्षा में क्या फर्क है।
आप सब लोग जानते हैं कि बिकॉज कुछ हद तक जो इंसान जब हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर शरीर है और उसके अंदर आत्मा है, और जो भी कुछ ज्ञान जो आत्मा के साथ है उसको हम लोग विद्या कहते हैं, और जो भी कुछ ज्ञान जो आपके शरीर के साथ है जो आपके मरने के साथ खत्म हो जाएगा उसको हम लोग शिक्षा कहते हैं। तो इसलिए कि हमारे मरने के बाद भी हमारी सारी डिबियाँ खत्म हो जाती है, लेकिन जो विद्या है यानी कि जो ज्ञान आत्मा ने आत्मा साथ किया है यानी कि आत्मा के साथ किया है वो हम लोग उसको विद्या कहते हैं, वो विद्या हमारे साथ चला जाता है और हमारे संस्कार बन के वो हमारे साथ जाता है। दैट्स द रीजन कि वे भारतीय विद्या भवन की जो हम लोग जो शब्द इस्तेमाल करते हैं का मतलब ही है कि भी भारतीय शिक्षा यानी कि इंडोलॉजी नॉलेज ऑफ इंडिया, और नॉलेज ऑफ इंडिया कोई आज का नहीं है, ये हजारों साल पुराना है। तो कुछ हद तक भारतीय विद्या भवन की स्थापना इसीलिए हो गई थी ताकि हर इंसान जो है भारतीय शिक्षा पद्धति के साथ यानी कि भारतीय विद्या के साथ जुड़ जाए और वो अपने जीवन में उसको आत्मसात करे। हाँ विशाल। हाँ विशाल पूछो। सर, भवन कॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में आप स्टूडेंट्स को बता पाएंगे? भवन कॉलेज क्या है आखिर? देखो भवंस कॉलेज जो जैसे आज भारतीय विद्या भवन के 100 से भी ज्यादा सेंटर है ऑल ओवर इंडिया, फॉरेन में भी कुछ सेंटर्स है, और जितने भी संस्थाएं हैं उसके अंदर कई सारे कॉलेजेस भी हैं, और कुछ कॉलेजेस जो है यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ी हुई है, रिस्पेक्टिव इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस है, आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेजेस है, बहुत से कॉलेजेस है और वो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हैं। बट एट द सेम टाइम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो भवंस कॉलेज के नाम के अंदर चलती है, और जब ये नाम हम लोग देखते हुए भवंस कॉलेज, क्योंकि अगर देखेंगे कि भाई जब इंडिपेंडेंस के बाद बहुत से कॉलेजेस थे जिसको हम लोग कहते हुए आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेजेस, आर्ट्स एंड साइंस कॉलेजेस, उसके अंदर एक पर्टिकुलर शिक्षा दी जाती थी, लेकिन वो जितने भी लोग ग्रेजुएट्स होते थे वो जॉब करने के लायक नहीं होते थे यानी कि प्रोफेशनल्स नहीं होते थे। तो दैट इज द रीजन कि भाई 1961 में ये भवंस ने अलग अलग जगह पे भवंस कॉलेजेस शुरू करे, और भवंस कॉलेज जो है पूरी तरह से भारतीय विद्या भवन के कंट्रोल में ही है। दिल्ली में जो है भवंस कॉलेज जो है वो 1975 में शुरू हुआ, तो आप सोच ही सकते हैं कि भाई 1975 से लेकर अब तक मोर देन 50 ईयर्स हम लोग जब इस काम में जब काम कर रहे हैं, और ऐसे बहुत से लोग जो इंडस्ट्री रेडी यानी कि इंडस्ट्री में काम करने के लायक हम लोग बना के उनको भेजते हैं, तो सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं लेकिन ऐसा प्रोफेशन वो लेकर जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्सेज भारतीय विद्या भवन ने यानी कि भवंस कॉलेज ने शुरू करे, और उनमें से हमारे जो है BBBFTS यानी कि भारतीय विद्या भवन का फिल्म एंड टेलीविजन स्टडीज हमने ईयर 2000 में उसको शुरू किया। तो 1975 से ही हम लोग कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में काम कर रहे थे, उस टाइम आप जानते हैं कि प्रिंट मीडिया था, और जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आया तो ईयर 2000 में जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो है हमने कोर्सेज शुरू करे, और तकरीबन सारे टेक्निकल हैंड्स को बनाने के लिए ये हमारा जो है कि भाई भारतीय विद्या भवन का जो है फिल्म एंड टेलीविजन स्टडीज जो है शुरू हो गया। अभी फिल्म एंड टेलीविजन स्टडीज और जो हमारा प्रिंट मीडिया, साथ ही साथ कई कुछ हद तक मार्केटिंग के कोर्सेज, कुछ हद तक पब्लिक रिलेशन के कोर्सेज, ऐसे बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हमने शुरू करे कि भाई उस कोर्स को करने के बाद आपको आसानी से जॉब मिल सकती है, और ये 1975 से हम लोग इसको कर रहे हैं, और जहाँ तक पॉसिबल है कि भाई इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है हम लोग ज़्यादा अच्छा जानते हैं, तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट विद एनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी भारतीय विद्या भवन ने ही उसको अपने कंट्रोल में रखा है, और भारतीय विद्या भवन इस तरह से ट्रेनिंग देता है कि भाई कुछ हद तक जो है जो जो कुछ आप सीखते हो वो इंडस्ट्री में एप्लीकेबल है,
और आपको जो है बड़े आसानी से जॉब मिल जाती है। इसलिए हम लोग कहते हैं दैट इज द सरदार पटेल कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, आज जो हम लोग जो नाम लेते हैं, और इसको हम लोग भवंस कॉलेज कहते हैं। और ऐसे भवंस कॉलेज बॉम्बे में भी है, भवंस कॉलेज दिल्ली में भी है, भवंस कॉलेज जो है बाकी जगह पे भी है। तो ऑल दिस भवंस कॉलेज आर बेसिकली मेंट फॉर डेवलपिंग द प्रोफेशनल एजुकेशन टू मेक यू प्रोफेशनल, दैट इज व्हाट आई कैन से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सर। सर मेरा जो प्रश्न है कि बिकम अ कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल विद आवर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग व्हाइल आवर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन मेक्स यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग। देखा जाता है कि भवंस कॉलेज के अंदर आप जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो लेते ही हैं, इसके साथ एक अच्छा इंसान बनाने के लिए जिस तरीके से आप काम करते हैं, इस विषय पर के विचार सर जानना चाहते हैं। well, जहाँ तक हमारे प्रोस्पेक्टस के अंदर हमने लिखा है बिकम अ कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल विद आवर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग व्हाइल आवर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन मेक्स यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग। अभी इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। जब आप भवंस कॉलेज को ज्वाइन करते हैं तो हमारे आंखों के सामने दो टास्क होते हैं। एक टास्क है कि भाई आपको प्रोफेशनल बनाना है, और दूसरा टास्क है जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना है। देखो मुंशी जी का जो शुरू से ही कहना है, जब उन्होंने प्रोस्पेक्टस के अंदर पर्पस ऑफ एजुकेशन लिखा है, और पर्पस ऑफ एजुकेशन को अगर हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर वो बहुत क्लियरली कहते हैं कि दैट एवरी द इवन दो यू मे अल्टीमेटली बिकम अ साइंटिस्ट डॉक्टर और अ इंजीनियर, यू मस्ट व्हाइल इन अ कॉलेज एब्जॉर्ब द फंडामेंटल वैल्यूज विच विल मेक यू अ मैन ऑफ अ कल्चर। एन इंजीनियर हैज नॉट मेयरली टू बिल्ड ब्रिजेस, ही हैज टू बी अ डिवोटेड हजबेंड, अ काइंड फादर, अ फ्रेंडली नेबर एंड अ ड्यूटिफुल सिटीजन एंड अ मैन ट्रू टू हिमसेल्फ। अभी ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा भारतीय विद्या भवन का, जो मुंशी जी ने हमें जो दिया है, वी कॉल इट इज आइडियोलॉजी ऑफ के मुंशी जी, और ये चीज़ जो हम लोग स्ट्रिक्टली भारतीय विद्या भवन में प्रमोट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो कुछ हद तक भाई हमारे सामने जब स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं तो दो टास्क होते हैं, एक उसको एक अच्छा प्रोफेशनल बनाना ताकि उसको इंडस्ट्री में बहुत जल्दी जॉब मिल जाए और वो कामयाब हो जाए, और दूसरा हमारे पास काम होता है कि एक आपको अच्छा इंसान बनाना है। तो आज का एजुकेशन सिस्टम जो है कि भाई प्रोफेशनल बनाने के लिए तो काम करता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, लेकिन अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए शायद ही कोई कॉलेजेस इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं भाई अच्छा इंसान कैसे बन सकता है। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई आप एक अच्छा प्रोफेशनल कैसे बनते हैं, और इसी के लिए हमने जिस तरह का जो हमारा करिकुलम बनाया है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग जो फॉलो करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लर्निंग इज फन। लर्निंग इज फन का मतलब है कि देखो जब तक एजुकेशन में एंटरटेनमेंट एलिमेंट है तो स्टूडेंट उसको एंजॉय करेंगे। अगर एजुकेशन में अगर एंटरटेनमेंट एलिमेंट अगर नहीं है तो वो कॉलेज में आना बंद कर देंगे। एक साल स्टूडेंट हमारे साथ होता है, एक साल में हम उनको प्रोफेशनल बनाना है, तो हम लोग ऐसे एक्टिविटीज़ उनके लिए प्लान करते हैं कि भाई उस एक्टिविटी को वो एंजॉय करे, और जब वो एक्टिविटी को एंजॉय करते हैं तो वो रेगुलर क्लास में भी आएंगे, रेगुलर उसकी पढ़ाई भी करेंगे, और वो सारे के सारे एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। लर्निंग इज फन के अंदर हम लोग जो एक चीज़ देखते हैं कि बिकॉज एक हमने रखा है कि भाई हर महीने में हम लोग एक टैलेंट शो ऑर्गेनाइज करते हैं कॉल्ड द हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल तक। दिल से दिल तक का मतलब ये होता है कि बिकॉज वे कलाकार है भाई, आप कैमरामैन बनते हो, एडिटर बनते हो, फोटोग्राफर बनते हो, कोई भी बनते हो, लेकिन आपके अंदर कुछ ना कुछ आर्ट एलिमेंट तो होता ही है। आप थोड़े से सिंगर है, थोड़े से डांसर है, थोड़े से स्पीकर है, थोड़े से आप जो है आर्टिस्ट है, सब कुछ आपके अंदर थोड़ा थोड़ा है। तो एक साल जब आप यहाँ पे होते हो तो हम लोग आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि जिसके अंदर आप अपने क्वालिटीज़ को उभार सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं,
और एट द सेम टाइम उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो दिल से दिल तक का मतलब ये है कि भाई मेरे दिल से जो कला निकलती है और आपके दिल को वो छूती है, मेरे दिल से निकल के आपके दिल तक, यानी कि दिल से दिल तक। ये हम लोग हर महीने एक हमारा प्रोग्राम होता है जिसके अंदर सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं और वो तमाम चीज़ें जो उनके अंदर है, जो हुनर उनके अंदर जो है, उस हुनर को जो है वो कैमरे के सामने या ऑडियंस के सामने पेश करते हैं। तो इसको स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और उसको लेकर जो है वो बहुत सारी तैयारी भी करते हैं। और एक कॉन्सेप्ट है हमारा जिसको हम लोग कहते हैं स्मार्ट क्विज। देखो आज आप जानते हैं कि भाई लोग न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद नहीं करते हैं और किसी भी तरह से जनरल नॉलेज की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इस जनरल नॉलेज को प्रमोट करने के लिए, उनकी रीडिंग हैबिट को बढ़ाने के लिए हमने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया कॉल्ड द स्मार्ट क्विज। स्मार्ट क्विज का मतलब ही है, स्मार्ट क्विज का मतलब ही है कि भाई कुछ हद तक हम लोग इस अंदाज में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं कि जिसके अंदर 5 राउंड होते हैं और उसके अंदर जनरल नॉलेज के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डालते जाते हैं। तो पहला राउंड होता है कि भाई जिसके अंदर वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके बाद सेकंड राउंड में वो सिंपल आंसर्स लेते हैं, थर्ड राउंड में जो है वो कुछ हद तक प्रेजेंटेशन देते हैं, और जब 5वें राउंड जब उसके क्लियर हो जाते हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह आते हैं उनको हम लोग कैश अवार्ड्स भी देते हैं। इस चीज़ को भी बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। नाउ दिस इज अगेन कंसिडर्ड एज द फन एलिमेंट जो हम लोग इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई कुछ हद तक हमारे पास थ्योरी और प्रैक्टिकल्स, तो हम लोग 50-50 वेटेज देते हैं, जितनी थ्योरी आप पढ़ते हो उतना प्रैक्टिकल भी करते हो, ताकि किसी तरह से ऐसा नहीं है कि भाई आप सिर्फ एक टेक्नीशियन बनते रहेगा तो नहीं, आपके पास एक टोटल नॉलेज आ जाता है। नेक्स्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई जितना भी हमारे जो करिकुलम यानी कि जो सब्जेक्ट जो आप जो पढ़ते हैं वो इंडस्ट्री में प्रैक्टिस किए हुए होते हैं, ताकि भाई वो आप वही चीज़ें पढ़ते हो कि जो इंडस्ट्री में आज के डेट पे प्रैक्टिस हो रहा है। तो दैट इज़ द रीज़न आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, आप वही चीज़ें पढ़ते हो, प्रैक्टिकल्स करते हो, थ्योरेटिकली पढ़ते हो, एग्ज़ाम में लिखते हो कि जो आमतौर पर इंडस्ट्री में प्रैक्टिस हो रहा है, और इसीलिए कि तकरीबन सारे इंटरव्यू जो है आप उसको अच्छी तरह से फेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं भाई हमारे पास मंथली टेस्ट होते हैं हर महीने में, बिकॉज आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं कि भाई जब एग्ज़ाम फाइनल आएगा तब पढ़ेंगे, नहीं, नो, हर महीने में उनको रिवीजन करना है, हर महीने में उनको एग्ज़ाम देना है, और वैसे ही हम लोग उनको हर महीने एक असाइनमेंट देते हैं। हर महीने एक असाइनमेंट होता है, और असाइनमेंट ऐसा टास्क होता है कि जिसके अंदर वो एक एक करके बहुत कुछ काम करते हैं। इट इज़ बेसिकली कि भाई जिस तरह से प्रोफेशनली काम होता है उसी तरह से वो प्रोफेशनली असाइनमेंट बनाते हैं, और इस काम को भी बच्चे जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। हम लोग इवन हर सेमेस्टर के आखिर में स्किल टेस्ट भी लेते हैं। स्किल का मतलब ये, एक चीज़ को जब हम लोग बार बार करते हैं तो स्किल डेवलप हो जाता है, और जब स्किल डेवलप हो जाता है तो आप इंटरव्यू में अच्छी तरह से काम करके दिखाने के लायक बन जाते हैं। और हमारे पास एक और अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं द स्टडी टूर। हम लोग आपको जो है दिल्ली के बाहर लेके जाते हैं, और दिल्ली के बाहर जो है कुछ हद तक वो वहाँ पर 10 दिन रहते हैं, और सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हम उनसे काम करवाते हैं। क्योंकि देखो मीडिया कभी रुकता नहीं है, दिन में भी काम करता है, सुबह भी काम करता है, रात को भी काम करता है, तो दैट इज़ द रीज़न जो है मीडिया कभी भी रुकता नहीं है। तो स्टडी टूर के अंदर वो इतने सारे एक्टिविटीज़ करते हैं और उनको ऐसा फील हो जाता है कि भाई वाकई में वो टी वी चैनल के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें वो करते 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 जो एक अच्छे प्रोफेशनल बन जाते हैं। दूसरा आता है कि भाई बिकम अ गुड ह्यूमन बींग। तो गुड ह्यूमन बींग वो कैसे बनेंगे? तो गुड ह्यूमन बींग के लिए हमारे पास बनाने के लिए हम लोग इट्स अगेन कंटिन्यूस प्रोसेस, भाई एक दिन में नहीं गुड ह्यूमन बींग बनता है। हम लोग बहुत, एक तो हमारी क्लासेस होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं द लाइफ मैनेजमेंट। लाइफ मैनेजमेंट इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर ऑल द कोर्सेस, और लाइफ मैनेजमेंट के अंदर हम लोग सिर्फ आपके टेक्निकल चीज़ों के बारे में नहीं, लेकिन लाइफ क्या है, मैं क्या हूँ, मैं आखिर लाइफ में चाहता क्या हूँ,
अगर वाकई में अगर मुझे अच्छा इंसान बनना है तो मुझे क्या करना चाहिए, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, मैं लोगों को क्यों नहीं समझ पाता हूँ, या अगर मुझे अच्छे संबंध रखने हैं हमारे परिवार के साथ तो क्या करना चाहिए। ऐसे ही हर हफ्ते में एक क्लास इसके ऊपर होती है और ये पहले सेमेस्टर में जो हम लोग लाइफ मैनेजमेंट के ऊपर उनको तैयार करते हैं और बच्चे उसको ध्यान से सुनते भी है और उसको आहिस्ता आहिस्ता करके अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। और मैंने जब सुना कि भाई जब हमारे स्टूडेंट जब टीवी चैनल में जाके काम करते हैं, इंडस्ट्री में जाके काम करते हैं, और जब इंडस्ट्री वाले अगर जो हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आपके बच्चे यार बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, जब ये सुनने को मिलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। सो दैट इज द रीजन हम लोग कहते हैं कि बिकॉज एक तरफ से तो हम लोग उनको इतना बिजी रखते हैं काम करते करते, वो प्रोफेशनल बन जाते हैं, और हमारा वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जो है थ्रूआउट ईयर चलते रहता है। हर छोटी 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 चीज़ों को हम लोग इस तरह से बैठ के वन टू वन समझाते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, पर्सनल लेवल पे उनको काउंसलिंग करते हैं और उनको एक अच्छा ह्यूमन बींग बनाते हैं कि भाई आई होप कि भाई इस तरह से ये पूरे साल ये काम चलता है और वो एक अच्छा प्रोफेशनल तो बनते ही है, साथ में एक अच्छा ह्यूमन बींग भी बनते हैं। आई होप इट इज क्लियर। प्रश्न सर ने यहाँ पे स्टडी टूर के बारे में बात की, तो जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं उनको सबको अपना स्टडी टूर याद आ गया होगा। सो आप लोग के पास मौका है, आप लोग अपना प्रश्न जो है वो पूछ सकते हैं और जो लोग लाइव प्रश्न भी पूछ सकते हैं। दूसरा आपको SMS करना है तो आप मेरे 8745005005 पर भी SMS कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। तो सर मेरे पास अभी मिस खुशबू सिंह का एक प्रश्न है, वो ये जानना चाहते हैं कि जॉब और प्लेसमेंट के लिए आप क्या करते हैं। भवन एक्चुअली भवन कॉलेज जॉब और प्लेसमेंट के लिए आखिर करता क्या है। देखो जॉब प्लेसमेंट जो है कि बिकॉज तकरीबन सारे स्टूडेंट यहाँ पे जो आते हैं आई नो कि भाई वो जॉब के लिए आते हैं, कोई टाइम पास करने के लिए तो आता नहीं है। तो जितना स्टूडेंट को परेशानी होती है या एक्सपेक्टेशंस होती है जॉब की और उसके बारे में हम लोग शुरू से ही सोचते रहते हैं, तो हमारी जॉब इंडस्ट्री का एक छोटा सा प्रिंसिपल है जो आपको समझना चाहिए, और वो प्रिंसिपल ये है कि भाई जिसको काम आता है उसको काम मिलता है। तो सबसे पहले जब आप जॉब के किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको एक प्रूव करके दिखाना है कि भाई आपको काम आता है, और जब आप ये प्रूव करके दिखाते हो कि भाई आपको काम आता है तो आपको काम मिल जाता है। तो आपको काम कैसे आता है, अभी मैंने आपको बताया कि भाई जिस तरह से हम पूरा साल आपको बिजी रखते हैं काम करने में, तो काम ना आने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके अलावा जॉब प्लेसमेंट के लिए हमारे पास इतनी ज़्यादा परेशानी इसलिए नहीं है कि देखो 20 साल से हम लोग इसी फील्ड में हैं। आज ऐसा कोई भी टीवी चैनल नहीं है कि जिसके अंदर हमारे यहाँ के पढ़े हुए हमारे स्टूडेंट्स नहीं हैं, और आज हमारे स्टूडेंट सभी टीवी चैनल में जो है अच्छे पोजीशन के ऊपर जाके बैठे हैं। तो सबसे पहले कि भाई हमें उनसे सपोर्ट मिलता है, किसी भी टीवी चैनल में अगर जॉब चाहिए कोई रिक्वायरमेंट है तो सबसे पहले तो हमारे डिपार्टमेंट को ही वो याद करते हैं, पूछते हैं कि हमें कैमरामैन चाहिए, एडिटर चाहिए वगैरह वगैरह। तो उस पर्टिकुलर केस में कि भाई हम लोग इस तरह से उनको जो है हमारे संबंध बनाए रखते हैं उन लोगों के साथ कि भाई वो सबसे पहले हमारे यहीं पे इंक्वायरी करेंगे और यहीं हमारे यहीं से जो है कुछ हद तक जो है स्टूडेंट्स को लेने की कोशिश करेंगे। दूसरा कि भाई जितने भी टीवी चैनल्स हैं जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग इस तरह का एक बुक प्रिंट करके पब्लिश करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। इस रिफ्लेक्शन के अंदर तकरीबन आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे जो हम लोग आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे प्रिंट करते हैं, हर स्टूडेंट का जो है नाम, उसके मार्क्स, उसका परफॉर्मेंस, उसके प्रोजेक्ट्स, वो सब कुछ इस रिफ्लेक्शन में लिखा होता है। और ये रिफ्लेक्शन सिर्फ स्टूडेंट के पास नहीं रहता है, हम लोग तकरीबन सभी टीवी चैनल में इसको भेजते हैं, इंडस्ट्री में भी भेजते हैं,
और वहां पे क्लियरली हमको बताते हैं, अगर किसी को कोई भी प्रोफेशनल चाहिए, रिफ्लेक्शन खोलो, स्टूडेंट का नाम है, उसके अंदर टेलीफोन नंबर्स लिखे हैं, आप उनके कॉल करो, उनको बुला लो, और उनको अगर जॉब देना है तो उनको जॉब दे दो, एज सिंपल एज दैट वन। सो दैट इज द रीजन, ये हमारा रिफ्लेक्शन जो है, नो डाउट हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये जो है स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा सक्सेसफुल साबित होता है। इसके अलावा हमारा एक रेगुलर प्रोसेस चलता है, वो ये है कि भाई हम उनको टीवी चैनल में जो टॉक शोज आपने देखे होंगे जिसमें ऑडियंस बैठी होती है, जब आप इंडिया टीवी पे देखते थे आपकी अदालत, वहाँ इतना सा ऑडियंस बैठा होता है, कौन बैठा होता है, तो हमारे स्टूडेंट्स तो वहाँ बैठे होते हैं, बाकी टीवी चैनल इंस्टीट्यूट के भी बच्चे वहाँ बैठे होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो रियलिटी शोज़ के अंदर हम लोग स्टूडेंट्स को भेजते हैं, उसके दो फायदे होते हैं। एक, वहाँ के लोगों के साथ वो अपना एक कांटेक्ट बना लेते हैं, वहाँ उनकी एक फ्रेंडशिप बन जाती है, हाय हेलो हो जाता है, और साथ साथ वहाँ का उनका जो वर्क कल्चर होता है, किस तरह से काम होता है वहाँ पे, किस तरह से उनके जो है काउंटडाउन शुरू हो जाते हैं, वो सब कुछ उन लोग देखते हैं। तो मैं ऐसे बहुत से मौके उन लोग देते हैं, भाई हर स्टूडेंट जो हर महीने किसी ना किसी टीवी चैनल में जो है विजिट करता ही है, तो वहाँ पे उनके कॉन्टैक्ट डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ मीडिया सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं, हर महीने में दो मीडिया सेमिनार्स हमारे ऑर्गेनाइज होते हैं, जिसके अंदर हम लोग जो है टीवी के और इंडस्ट्री के जो है अच्छे लोगों को बुलाते हैं, और वहाँ पे उनका इंटरेक्शन हो जाता है स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट सवाल पूछते हैं, जब सवाल पूछते हैं तो भाई जो मीडिया प्रोफेशनल जो है उनको चेहरे से पहचान लेता है, और जब वो जॉब के लिए जाता है तो वो भी उसको कहते हैं, हाँ मैंने आपको देखा था मीडिया सेमिनार के अंदर। तो मैं इस तरह की जितने भी कोशिश करनी है हमारे तरफ से, वो हम लोग हमेशा करते ही रहते हैं, और इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है स्टूडेंट को इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। देखो कोई भी स्पून फीडिंग नहीं है, ये नहीं कि बिकॉज आप कोर्स करो तो आपको ऑटोमेटिक जॉब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको काम अच्छी तरह से आना चाहिए, आपको अपने कॉन्टैक्ट डेवलप करने हैं, आपको अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाना है, तब जाके आपको जॉब मिलता है, और हमारा सपोर्ट आपके साथ पूरा होता है, और तकरीबन सारे टीवी चैनल जो है हमारे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने के लिए तैयार बैठे होते हैं। एनीवे, आई होप आपको क्लियर हो गया है। खुशबू सिंह जी, आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया। हमारे पास सतीश कुमार बागपत, उनका प्रश्न है कि भारतीय विद्या भवन का कोई भारतीय विद्या कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तो क्या इसकी जो डिग्री या जो डिप्लोमा होते हैं ये सरकारी जॉब में मान्य है या नहीं? देखो यूनिवर्सिटी स्टेट लेवल पे काम करती है, अगर बॉम्बे में अगर है तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी है, अगर दिल्ली में है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है। भारतीय विद्या भवन ऑल ओवर इंडिया काम कर रहा है, भारतीय विद्या भवन इंडिया के बाहर भी काम कर रहा है, इसलिए हमने जो भवंस कॉलेज का जो कॉन्सेप्ट जो रखा है वो सिर्फ सिर्फ दिल्ली के लिए या बॉम्बे के लिए सीमित नहीं है, वो ऑल ओवर इंडिया के लिए है। दैट्स द रीज़न हमारा जो करिकुलम है वो भारतीय विद्या भवन की तरफ से बनाया गया है, और आपको पता होना चाहिए कि भारतीय विद्या भवन आज के डेट पे 80 साल हो गए इसको। इट इज़ रिकग्नाइज एज अ इंस्टीट्यूट ऑफ अ नेशनल एमिनेंस, एक प्रेस्टिजियस संस्था है हिंदुस्तान के अंदर। भारतीय विद्या भवन को जो है गांधी पीस अवार्ड मिला हुआ है, कि जो अगेन इंटरनेशनल लेवल का पीस अवार्ड है। बहुत सी चीज़ें हैं कि जिसके अंदर हमें इसके अलावा भी कई सारे अवार्ड्स मिले हैं। जितने भी हाईली प्रोफेशनल्स और जो स्टेट्समैन जो है वो हमारे संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, तो दैट इज द रीजन भारतीय विद्या भवन की एक अपनी मान्यता है। अगर हम लोग किसी भी एक यूनिवर्सिटी के साथ अगर जुड़ते, अगर दिल्ली में है तो दिल्ली के साथ जुड़ना पड़ेगा, अगर मुंबई में है तो मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ना पड़ेगा, लेकिन भवंस कॉलेज जो है फिलहाल जो है कि भाई किसी यूनिवर्सिटी के साथ नहीं है, लेकिन हमारे एजुकेशन की जो है मान्यता ऑल ओवर इंडिया सभी इंडस्ट्री के अंदर है। सिंपल सी चीज़ समझने की कोशिश करो, देखो अगर आपको काम आता है भले गवर्नमेंट में या प्राइवेट टीवी चैनल में, आज दूरदर्शन में जाके देखो हमारे कई सारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट का है। फिल्म डिवीजन में जाके देखो, फोटो डिवीजन में जाके देखो, कई सारे स्टूडेंट हमारे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट का है। देखो जिसको काम नहीं आता है भले आप जो मर्जी डिग्री ले जाओ आपको काम नहीं मिलेगा,
अगर आपको काम आता है, ये डिग्रियां वगैरह जो है वो कुछ हद तक जो है भाई शुरू शुरू के लेवल में होती है, जब आपको काम आता है तो टीवी चैनल वाले तो आपको जॉब देते ही देते हैं और हर काम करने वाले को काम मिल जाता है। तो टू सम एक्सटेंट भारतीय विद्या भवन इज अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, और इसीलिए आपको पता है कि दूरदर्शन का हमारे MOU साइन किया हुआ है कि भाई सिर्फ भारतीय विद्या भवन के स्टूडेंट्स को और IMC के स्टूडेंट्स को दूरदर्शन के अंदर इंटर्नशिप मिलती है। तो उस पर्टिकुलर केस में इट इज कंसिडर्ड एज से इक्वली रिकग्नाइज और गवर्नमेंट में जॉब आपको मिलता है। बाकी जब जहाँ पे भी जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे वहाँ के लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, या तो एक्सेप्ट करें या वो एक्सेप्ट ना करें, लेकिन अभी तक का जो दिखना यही है कि भाई 90% हमारा जो है डिप्लोमा एक्सेप्टेबल हो गया है। सर हम लोग लास्ट प्रश्न, समय का थोड़ा अभाव है तो हम ले लें। मिस सुमन नेगी देहरादून से ये हैं, उन्होंने कहा कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो क्या फिल्म और टेलीविजन स्टडीज के जो कोर्सेज हैं उनकी फीस कितनी है, क्या वो अफोर्डेबल है या किसे होगा वो? देखो अफोर्डेबल और अनअफोर्डेबल ये शब्द तो नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर जहाँ तक पॉसिबल है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से अगर फ्री में पढ़ाई करने तो वहाँ चले जाइए, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि देखो इस दुनिया में कोई भी चीज़ आपको फ्री में नहीं मिलती है, और जो चीज़ फ्री में मिलेगी उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती है। आज सब लोग जो है एजुकेशन के ऊपर कुछ ना कुछ बजट होता है, कुछ ना कुछ खर्चा तो करते हैं। हमारे तकरीबन सारे के सारे कोर्सेस, हमारे जो फीस स्ट्रक्चर जो है हमने सबका जो है मिडिल क्लास पर्सन के लिए रखा है, और आप तो जानते हैं भाई मिडिल क्लास पर्सन जो है भाई आज हमारे अपने बच्चों को जब स्कूल में पढ़ाता है तो 5,000 से 10,000 रुपये पर महीना तो खर्च करता ही है, और हमारी फीस स्ट्रक्चर भी वैसे ही है। कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करते हो तो आपको हर महीना 5,000 से ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। तो 40,000 से लेकर 1,00,000 रुपीज़ तक के अलग अलग कोर्स फीस है, आप जाके वेबसाइट पे देखें, लेकिन इट इज़ नॉट फ्री बट इट इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल। और प्लस आपको ध्यान में रखो कि देखो हम लोग आपकी फीस जो है 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर लेते हैं, आपको इकट्ठा देने की जरूरत नहीं है। कि जो मिडिल क्लास पर्सन जो है वो बड़े आराम से जो है हर थोड़े समय के बाद फीस दे सकता है और एक आप अच्छा प्रोफेशनल बन सकते हैं। दैट्स अ रीज़न कि भाई सबके लिए फीस अफोर्डेबल है। आप पहले फीस स्ट्रक्चर को देखो और उसके ऊपर जो भी आपको डिस्कस करना है, पूछना है, आप ऑफिस में पूछे, आपको बता दिया जाएगा। हाँ जी सर, बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना दिया और स्टूडेंट्स को बताया कि भारतीय विद्या भवन भारतीय विद्या भवन किस तरीके से काम करता है, डिप्लोमेटीज किस तरीके के कोर्सेज ऑर्गेनाइज। तो अब मुझे लगता है कि सभी लोगों के मन में एक प्रश्न जरूर जाग रहा होगा कि आप कौन सा कोर्स करना है और कौन सा कोर्स उनके लिए है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कल हम फिर मिलेंगे। का वेबिनार का जो टॉपिक है वो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी 12th पास किया है, चाहे किसी भी बोर्ड से पास किया हो। तो हमारा कल का जो विषय है वो है हाउ टू चूज अ करियर आफ्टर 12th। हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो अभी तक के लिए धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आप स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।